जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्टो न्यूज़ पर। आज हम 1947 में हुए इंडिया के पार्टीशन के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि कैसे और किन वजहों से भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एंड बांग्लादेश अस्तित्व में आए। दोस्तों, विभाजन तो 1947 में हुआ था, लेकिन इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण रहे उनकी शुरुआत 1939 के सेकंड वर्ल्ड वॉर से हुई, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये हमारा वादा है, इस वीडियो को देखने के बाद इंडिया के पार्टीशन का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आगे पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके समर्थन से ही हमें और वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वर्ल्ड वॉर सेकंड में जब 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था, उसके बाद 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दिया था। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटेन की तरफ से वॉर में भाग लेने के लिए कहा गया। इंडियन लीडर्स इस डिसीजन से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने दो शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि वॉर के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जिसमें फ्री इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाएगा। दूसरी शर्त थी कि वॉर में पार्टिसिपेट करने से पहले ही सेंटर लेवल पे एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाए जिसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, लेकिन ये प्रस्ताव वाइसरॉय लॉर्ड लिंगलिथगो द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। जिसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई वर्धा में, जिसमें गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के विचारों पर डिस्कशन हुआ, जिसमें गांधी जी का यह मानना था कि हमें ब्रिटेन की सिचुएशन पर सिंपथी दिखाते हुए ब्रिटेन का साथ देना चाहिए, लेकिन इसके अपोजिट सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि अभी बिल्कुल सही समय है वॉर से जूझ रहे ब्रिटेन को और कमजोर करके उनसे आजादी वापस लेने का, इसलिए उन्होंने सिविल मूवमेंट की मांग की। बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो उनका मानना था कि इंडिया को किसी की भी साइड नहीं लेनी चाहिए, न ही ब्रिटेन की और न ही जर्मनी की। साथ ही नेहरू जी ब्रिटेन के इस सिचुएशन का फायदा उठाकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने से भी सहमत नहीं थे। दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आप इन तीनों में से किसके विचारों से सहमत हैं। सभी आइडियाज को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस कंक्लूजन पर पहुंची कि इंडिया वॉर में किसी का भी साथ नहीं देगा। अगर ब्रिटेन डेमोक्रेसी और फ्रीडम के लिए लड़ रहा है तो उन्हें इंडिया से कॉलोनियलिज्म खत्म करना होगा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि वो इंडिया को फ्री करके यहाँ से कॉलोनियलिज्म खत्म करें, बल्कि इसके बाद वो लोग कांग्रेस को एज एनिमी ट्रीट करने लगे थे। ये सब ध्यान में रखते हुए कांग्रेस लीडर ने 23 अक्टूबर 1939 को ब्रिटिश गवर्नमेंट में अपनी पोस्ट से रिजाइन करने का फैसला कर लिया। फिर मार्च 1940 में रामगढ़ सेशन हुआ, जिसके प्रेसिडेंट मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। इस मीटिंग में यह डिसाइड हुआ कि पूर्ण स्वराज ही हमारा पहला मकसद होना चाहिए, ना कि कोई डोमिनियन स्टेटस इंपीरियल स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद उसी महीने में लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड रखी कि जो भी मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स हैं उन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट्स डिक्लेयर किया जाए, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑटोनॉमस और सॉवरेन हो, और जहां मुस्लिम माइनॉरिटी में हैं वहां उनके राइट्स को सेफगार्ड किया जाए। ये सब ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नए ऑफर के साथ आती है, जिसे हम अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं, जो 1940 में लाया गया था। इस ऑफर में इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया गया और वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस की मेजोरिटी को मानने की भी बात कही गई। इसके रिस्पॉन्स में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपनी राय रखी। तो आइए जानते हैं दोनों ग्रुप्स की राय क्या थी। कांग्रेस ने इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए कहा कि उन्हें पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, जो कि रामगढ़ सेशन में डिसाइड किया गया था। वहीं मुस्लिम लीग ने भी इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें कोई भी वीटो अश्योरेंस नहीं दिया गया था और ना ही इंडिपेंडेंस स्टेटस देने की बात की गई थी। इसके बाद दोस्तों मार्च 1940 में क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश द्वारा लाया जाता है। इस मिशन का एम इंडिया को वॉर में अपने साइड करने का था, ताकि ब्रिटेन वॉर में एक बेटर पोजीशन पर आ सके। इस मिशन में ब्रिटिशर्स ने फिर से कुछ प्रपोजल रखे। पहला, इंडियन यूनियन को डोमिनियन स्टेटस देने का, जो कि इंडिया को नहीं चाहिए था। दूसरा, वॉर के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करने का, जिसमें एक न्यू असेंबली बनाई जाएगी और इस असेंबली के कुछ मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस से और कुछ प्रिंस द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे।
यहाँ भी ब्रिटिशर्स का मोटिव साफ देखा जा सकता है, जहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स पर भी उनका कंट्रोल रहता। तीसरा ऑफर इंडियन यूनियन के लिए बहुत डेंजरस था। इसमें कहा गया था कि जो प्रोविंस इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करना चाहती है वो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। अगर ये ऑफर मान लिया जाता तो आज इंडिया को हम कितने टुकड़ों में देखते। इसमें कोई प्रपोजल ऐसा नहीं था जिसमें इंडियन यूनियंस की बात कही गई हो, इसलिए ये ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया गया था। क्रिप्स मिशन के जाने के बाद कांग्रेस की वारधाम में मीटिंग हुई, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि अब हम मास स्ट्रगल शुरू करेंगे। इसलिए जुलाई 1942 को जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने क्विट इंडिया कैंपेन लॉन्च का प्रस्ताव रखा। इस रेजोल्यूशन को 8 अगस्त 1942 को रेटिफाई कर एम डिसाइड किया गया, जिसमें ब्रिटिश रूल को तुरंत खत्म करने की मांग की गई। अब इंडिया अपने सारे मैटर्स खुद ही देखेगा और साथ ही ब्रिटिशर्स के जाने के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाएगी। ये एम पूरा करने के लिए कांग्रेस लीडर को आखिरकार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना पड़ा, जिसके लीडर गांधी जी बने। इस मूवमेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट सर्वेंट्स को नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया और काफी लोगों ने ऐसा किया भी। सोल्जर्स को कहा गया कि इंडियंस पर फायरिंग ना करें। ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए स्कूल्स और कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को पढ़ाई छोड़ने के लिए कहा गया। पीजेंट्स को कहा गया कि जो जमींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ है सिर्फ उन्हें ही रेंट दे। दोस्तों, इसी बीच 1945 में वर्ल्ड वॉर टू भी खत्म हो गया था, जो ब्रिटेन को पहले से काफी कमजोर कर चुका था। यही मुख्य कारण रहा जिसकी वजह से ब्रिटेन को इंडिया को फ्री करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसे देखते हुए 10 मार्च 1947 को नेहरू जी ने कैबिनेट मिशन को देश के लिए बेस्ट सॉल्यूशन माना, जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा 24 मार्च 1946 में लाया गया था, जिसका मेन मकसद फ्री इंडिया के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था और साथ ही इसमें पाकिस्तान को फुल फ्लेज कंट्री का स्टेटस नहीं देने की बात की गई थी। लेकिन पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगों का माहौल था और मुस्लिम लीग की तरफ से अलग कंट्री बनाने जाने की लगातार मांग की जा रही थी। इसी के चलते अप्रैल 1947 में कांग्रेस प्रेसिडेंट कृपलानी ने बंगाल और पंजाब के पार्टिसिपेशन की मंजूरी दे दी थी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आती है, जिसके मेन पॉइंट्स थे कि इंडिया और पाकिस्तान के लिए दो डोमिनियंस और दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। इसके बाद 5 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 को मुस्लिम मेजॉरिटी एंड हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स के आधार पर पार्टीशन कर इंडिया और पाकिस्तान को दो अलग कंट्री का स्टेटस दे दिया जाएगा। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को फुल फ्लेज कंट्री बना दिया गया, जिसमें ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान थे, जिसके पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने। और उसके एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने अपनी आज़ादी मनाई। इस बंटवारे की वजह से लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा और लोगों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 1971 में भारत की मदद से ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक सेपरेट कंट्री बना, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडिया के पार्टीशन की कंप्लीट जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइए और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।